लिखिए, चलिए आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे अपन, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और बेसिकली वो एप्लीकेशन है और कॉम्प्लेक्स वेक्टर 3D 2D सब में एप्लीकेबल है। उसका मैं नाम दे रहा हूँ, नाम से चीजें याद रहती हैं। नाम का बेसिक पर्पज क्या होता है कि नाम मतलब याद रहे चीजें, ठीक है कि नहीं? ध्यान से देखना, PMT। मुझे मालूम है कि आप लोगों को खुरापाती दिमाग है और प्री मेडिकल टेस्ट ही स्ट्राइक करेगा आपको, इसके अलावा और कुछ स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन इसे आप लिखिए ऐसे, पॉइंट मैनिपुलेशन थ्योरी, पॉइंट मैनिपुलेशन थ्योरी। पॉइंट मैनिपुलेशन थ्योरी ये बेसिकली है क्या है? अब समझना है, लिखना कम है, लिखनी 3 लाइन ही है बस, बाद में। ये है क्या है? आना अल्टीमेट यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला एंड कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो जो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता है वो किस में अप्लीकेबल होता है? पॉइंट्स में। सेक्शन फॉर्मूला किस में अप्लीकेबल होता है? पॉइंट्स में। सेक्शन फॉर्मूला इज अप्लीकेबल फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला का स्टेटमेंट ध्यान है कि नहीं? ध्यान होगा, इफ ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू एंड सी लेमडा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लेमडा प्लस वन एंड लेमडा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन लेमडा प्लस वन आर 3 पॉइंट्स, देन थर्ड पॉइंट लाइज नेसेसरीली ऑन लाइन ज्वाइनिंग वन एंड टू एंड डिवाइड इन द रेशियो लेमडा इज टू वन। ये था ना? है? अब बात आती है जो एक और बात आपको मालूम होनी चाहिए, सेंट्रोइड क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीन्स, या फिर मैं ऐसे कहूं कि सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट है कि एडी और बी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जब बीडी अपॉन डीसी कितना हो? 1:1। अगर मेरे पास बीडी अपॉन डीसी, ध्यान से देखना, अगर बीडी अपॉन डीसी और सी या सी डी अपॉन, इसको ऐसे लिखिए, लिखिए मत समझिए जरा, ये मालूम तो है ही आप लोगों को। अगर मेरे पास सी डी अपॉन बी डी, ये लेमडा है, और सी अपॉन ए ये म्यू है, ठीक है कि नहीं? तो एडी और बी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है पी, ये एसओटी में सीखा होगा या मालूम ही होना चाहिए, पी क्या होगा? जी होगा, सेंट्रोइड होगा। कब? जब लैम्डा कितना होगा? 1, और म्यू भी कितना होगा? 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मेरे पास लैम्डा 1 है और म्यू कितना है? 1 है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एडी एंड बी है वो क्या होता है? सेंट्रोइड। बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास सी डी अपॉन बी डी, बी इज टू सी हो, लेमडा की वैल्यू क्या हो? लेमडा की वैल्यू क्या हो? लेमडा सी है, दिस अपॉन दिस, बी अपॉन सी हो, और म्यू की वैल्यू क्या हो? ए अपॉन सी हो, तो पी क्या बन जाएगा? पी क्या बन जाएगा यार? इन सेंटर। क्यों? इन सेंटर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। एसओडी का कंसेप्ट है या पहले से भी मालूम है, इन सेंटर जो एंगुलर इंटरनल एंगुलर बाई सेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगुलर बाई सेक्टर इज इन सेंटर। सही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 10b/10c है, और म्यू की वैल्यू कितनी है?
टेन ए अपॉन टेन सी है, तो उस केस में पी क्या बन जाएगा? ऑर्थ सेंटर, पी इज ऑर्थ सेंटर। बात समझ में आ रही है ना? अगर लेमडा की वैल्यू साइन टू बी अपॉन साइन टू सी है और म्यू की वैल्यू कितनी है? साइन टू ए अपॉन साइन टू सी, तो पी क्या बन जाएगा? सर्कम सेंटर। इतनी बात समझ में आई? ये रिजल्ट से या इनकी अलग डेफिनेशन से, अगर लेमडा की वैल्यू कितनी है? साइन टू ए अपॉन साइन टू बी अपॉन टू सी, एंड म्यू की वैल्यू कितनी है? साइन टू ए अपॉन साइन टू सी, तो पी मेरे पास क्या होगा? सर्कम सेंटर। ठीक है कि नहीं? वैसे सर्कम सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। एंड ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्सेस अपॉन अपोजिट साइड्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? है? तो मुद्दा ये है, इस क्लास में क्या है, इन सबको प्रूव कर रहे हैं, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस एडी एंड बी, इफ एडी एंड बी डिवाइड अपोजिट साइड इन द रेशियो 1:1। ये नोट भी कर सकते हो, छोटा सा नोट लिखना, सेंट्रोइड क्या होता है, बाई चांस ध्यान नहीं है तो। सेंट्रोइड ऐसे लिखो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एडी एंड बी इफ इफ सीडी अपॉन बीडी इज 1:1, लिख लो ये भी, एंड सी अपॉन ए इज ऑल्सो 1:1। सही है? सही है ना? इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर, इन सेंटर इज व्हाट? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, लिख लो इन सेंटर करके लिखूं, इन सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स। ये एसओटी में कभी प्रूव कराएंगे या करा दिया होगा, याद करना भी है आपको। इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ये मत लिखिए, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। तो इन सेंटर की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एडी एंड बी इफ सीडी अपॉन बीडी इज बी इज टू सी एंड सीई अपॉन ए इज ए इज टू सी। सही है? यस। आगे ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, लिख लो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स इज ऑर्थो सेंटर। अभी तक पीएमटी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे क्या करने वाले हैं, क्या कंक्लूजन निकालने वाले हैं, उनमें इन सब रिजल्ट का यूज होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या, ये सब प्रूव कराया है मैंने या करा दूंगा, नहीं होगा तो लिख लो पहले। ऑर्थो सेंटर होता क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स और द लाइंस एडी एंड बी और द लाइंस एडी एंड बी इफ सीडी अपॉन बीडी इज 10 बी अपॉन 10 सी एंड सीई अपॉन ए इज 10 ए अपॉन 10 सी। सही है? ये आप डेफिनेशन ही ध्यान रखिए, ये प्रूफ तो मैं कराऊंगा एसओटी में, डिटेल में कराऊंगा, करा दिया होगा आपको। आगे लिखो सरकम सेंटर क्या होता है?
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स और इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं, और द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस बी AD and CE, the intersection point of lines AD and B, ऐसे लिखो, the intersection point of lines AD and B, if CD upon BD is sine 2B upon sine 2C and CE upon AE is sin 2a upon sin 2c, is sin 2a upon sin 2c. अब मुझे बताइए इनमें क्या दिक्कत है? साइन रूल मालूम है क्या आपको? तो इनमें कोई डेफिनेशन में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, उसको प्रूफ में बता सकता हूं। ये तो ध्यान ही है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड क्या होता है और तो सेंटर। तो ध्यान से देखना, अगर बाई चांस आपको ये दिक्कत आ रही है तो ये एडी है, एडी बनाया मैंने, ध्यान से देखिए, मैं फास्ट करूंगा, ये एल्टीट्यूड बना दिया, ये डी बना दिया, तो ये लेंथ कितनी आएगी? क्या निकालना था मेरे को? सीडी अपॉन बीडी निकालना था। सीडी अपॉन बीडी निकालेंगे तो कितना आएगा? एडी कॉट सी अपॉन एडी कॉट बी या फिर 10b अपॉन 10c। तो मेरे मतलब की बात हो सकता है मैं इस चीज का यूज करूं, तो मेरे पास ऑर्थो सेंटर की दो डेफिनेशन हो गई, एक तो क्या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस दैट डिवाइड्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एडी एंड बी इफ सीडी अपॉन बीडी इज 10b अपॉन 10c एंड सी अपॉन ए इज 10a अपॉन 10c, नथिंग एल्स, गॉट इट? मतलब एल्टीट्यूड अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? जैसे इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर अपोजिट साइड को बी अपॉन सी के रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसे जो एल्टीट्यूड है वो अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 10b अपॉन 10c, गॉट इट और नॉट? आ गया? साइन वाला भी बताना है क्या? लिख लो, एक नोट करके लिखो, साइन रूल तो मालूम है ना? साइन रूल क्या होता है? साइन रूल के एप्लीकेशन से प्रूव करूंगा मैं। साइन रूल क्या होता है? ए बी सी किसी ट्रायंगल में क्या होता है? ए बी सी साइन रूल क्या होता है? ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, साइन रूल होता है, याद ही होगा आप लोगों, याद नहीं है तो याद कर लेना चाहिए, सही है ना? अब एक नोट करके लिखो, ये लिखो, प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स ए टू सर्कम सेंटर ओ टू
टू सर्कम सेंटर ओ इफ मीट द साइड बी सी इफ मीट द साइड बी सी एट डी। ये मिड पॉइंट नहीं है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो एडी, जबकि वो कहां से पास हो रही हो, सर्कम सेंटर से। मीट द साइड बी सी एट डी, देन सी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू साइन टू सी, नहीं क्या आया था ये, साइन टू सी अपॉन, नहीं साइन टू बी अपॉन साइन टू सी। प्रूव करिए इसे, इसका कन्वर्स ही तो अप्लाई किया है हमने। अगर ऐसी लाइन होंगी तो हमारे पास सर्कम सेंटर आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये बताया है मैंने शायद। देखिए चलिए मैं बताता हूं, तो कुछ छोड़ा ही नहीं आप लोगों ने, सब पूछ लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ मेरे को पढ़ाने का। देखिए यार, ये एबीसी, ये सर्कम सेंटर ओ बना दिया मैंने और ए को ओ से ज्वाइन किया, ए को ओ से ज्वाइन किया तो ये कहां पे जाके मिला, डी पे जाके मिला, डी बना दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इस लाइन को ज्वाइन किया, ये ओबी और ओसी क्या होगा, दोनों के दोनों किसकी इक्वल होंगी, आर, ये एंगल बी है तो ये वाला कितना होगा, टू बी। तो मैंने ये ट्राइंगल अलग से बना लिया, ध्यान से देखना कौन सा है ये ट्राइंगल, ये ओ है, ये बी है और ये सी है, ये लेंथ आर होगी, ये आर होगी और ये डी है। तो मुझे ध्यान से सोच के बताइए, ये एंगल मेरे पास कितना आ गया, फाइव माइनस टू बी, समझ तो आ गया होगा, सोचा तो नहीं होगा आपने, ये टू बी है तो ये वाला कितना आ जाएगा, पाई माइनस टू बी, और ये टू सी होगा ये वाला एंगल, तो ये वाला कितना आ जाएगा, पाई माइनस टू सी आ जाएगा कि नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस छोटे वाले ट्राइंगल में साइन रूल अप्लाई किया, ध्यान से देखना आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी डी अपॉन साइन पाई माइनस टू सी इक्वल टू आर अपॉन, इस एंगल को इंट्रोड्यूस कर दिया अल्फा, आर अपॉन साइन अल्फा है, आर अपॉन साइन अल्फा, सही है, है? अब इस ट्राइंगल में साइन रूल अप्लाई करो इस वाले में तो कितना आएगा, डीसी अपॉन साइन पाई माइनस टू टू बी, ये डेफिनेशन सर्कम सेंटर की बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू आर अपॉन क्या आएगा साइन, कितना आएगा बताइए, पाई माइनस अल्फा, ये अल्फा तो ये वाला पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, सही है कि नहीं है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो सी डी अपॉन बी डी कितना आ गया, जो निकालना था वही आ गया, सी डी अपॉन बी डी कितना आया भाई, साइन टू बी अपॉन साइन टू सी। तो ये इसी प्रॉपर्टी से आए हैं कि भाई अगर हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट तो ठीक है सर्कम सेंटर है, लेकिन अगर हम वर्टेक्स से ज्वाइन करें तो एडी बीई का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कम सेंटर होगा, अगर सीडी अपॉन डीसी कितना हो साइन टू बी अपॉन साइन टू सी, एंड सीई अपॉन ए कितना हो साइन टू ए अपॉन साइन टू सी। गॉट इट, नहीं आया समझ में, अरे आ गया ना, अब तो प्रूव ही कर लिया, अब उसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं, उसे भी बताऊंगा ये इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, उसे भी प्रूव कर लो, नोट करके लिख लो, प्रूव दैट इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर
divide the opposite side. नोट नहीं किया गया, कर लिया? लिखिए यार, प्रूव दैट इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स इंटरनली, इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स इंटरनली, तो वो जाना चाहिए यार, ये सब बताया है आपको वैसे। इससे सिंपल भी कुछ हो सकता है क्या? ए बी सी क्या किया? इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है? ये कितना होगा? ए बाई टू, और ये भी कितना होगा? ए बाई टू, इसे अल्फा मान लिया, ये कितना होगा? पाई माइनस अल्फा, तो ये डी माना, तो इस वाले ट्राइंगल में साइन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, बताना यार क्या आएगा, बता दो इससे आ गया। बी डी अपॉन साइन ए बाई टू इज इक्वल टू सी अपॉन साइन अल्फा, एंड हियर इन रेड ट्राइंगल साइन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? है डी सी अपॉन साइन ए बाई टू इज इक्वल टू बी अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा, डिवाइड कर दो दोनों को तो हमारे पास क्या आ गया? डीसी अपॉन और बी डी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ठीक है कि नहीं? अब मैंने विथ प्रूफ चारों जो मेन सेंटर है, एक सेंटर अभी छूटा हुआ है तो उसे छोड़ के जो चारों मेन सेंटर हैं उनके विथ प्रूफ मैंने सारी बातें बता दी हैं कि सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बीडी अपॉन सीई, इफ सीडी अपॉन बी एंड सीई अपॉन ए बोथ आर 1:1, ठीक है कि नहीं? इन सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एडी एंड बी इफ क्या था? सीडी अपॉन बी इज कितना था, सोच के बताओ कितना था? बी बाई सी एंड सी अपॉन ए बाई सी, ठीक है कि नहीं? और तो सेंटर क्या था? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस ए डी एंड बी इफ सी डी अपॉन बी डी इज 10 बी अपॉन 10 सी एंड CE अपॉन AE इज 10 अपॉन 10 सी। सिमिलरली जो सर्कम सेंटर है उसका अलग अप्रोच है। सर्कम सेंटर क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AD एंड BE इफ हाँ। अरे सोच के बोला, जो एक याद है ना आपको, एक मुझे भी याद है, कौन सा वाला याद है? एंगुलर बाइसेक्टर का याद है ना, ये इसमें क्या आ रहा है? मैंने देख के बोला सीडी अपॉन बीडी कितना आ रहा है? बी बाई सी। अगर ये एल्टीट्यूड होता तो कितना आता ये? 10 बी अपॉन 10 सी। और अगर ये लाइन ज्वाइनिंग ए टू सर्कम सेंटर होता तो ये कितना आता? साइन टू बी अपॉन साइन टू सी, सिमेट्रिक है। गॉट इट? बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है कि नहीं? अब जो पीएमटी है उस पर हम आएंगे, कम से कम 20 प्रॉब्लम्स आप एट अ वन टाइम सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, बशर्ते कि इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं इन रिजल्ट के प्रूफ के बारे में, पीएमटी का यूज करेंगे या उसको अप्लाई करेंगे,
पहले आप रिजल्ट लिख लीजिए, ध्यान से देखिए। अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए एक्स वन वाई वन है, बी कितना है एक्स टू वाई टू, सी कितना है एक्स थ्री वाई थ्री, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास क्या है एक्स जी कितना होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन थ्री, सिमेट्रिकल वाई जी होता है, और ए जी अपॉन जी डी कितना आता है टू इज टू वन। जनरली हम ये प्रूव करते हैं, वो कैसे करते हैं सेंट्रोइड को, कि मिड पॉइंट निकाल लिया फिर टू इज टू वन क्वाड्रेंट माने और ये निकाल लिया, ठीक है कि नहीं। मान लो कई बार ऐसा भी होगा कि हमें ये भी प्रूव करना पड़े और ये भी प्रूव करना पड़े, तो इस अप्रोच से नहीं जाएंगे, ठीक है कि नहीं। एक्स आई कितना होता है, सिग्मा ए एक्स वन अपॉन सिग्मा ए, या ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, सिमेट्रिक वाई आई होता है। एक्स ओ क्या होता है, एक्स एच क्या होता है, सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर वाला, एक्स एच क्या होता है, सिग्मा टेन ए एक्स वन, मतलब एंगल्स वगैरह मालूम है तो इससे निकाल सकते हैं, अदरवाइज दूसरी अप्रोच भी है, सिग्मा टेन ए एक्स वन अपॉन सिग्मा टेन ए, मतलब क्या है नोट कर लो ना, टेन ए एक्स वन प्लस टेन बी एक्स टू प्लस टेन सी एक्स थ्री अपॉन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ठीक है। एक्सओ क्या होता है, सरकम सेंटर कितना होता है, सिग्मा साइन टू ए एक्स वन अपॉन सिग्मा साइन टू ए, एंगल्स वगैरह नोन है तो इससे जाएंगे, अदरवाइज इससे नहीं जाएंगे, क्या नहीं। लेकिन इटसेल्फ ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, नहीं नहीं एप्लीकेशंस भी होते हैं बहुत सारे, और जो गिवेन है उसके अकॉर्डिंगली अप्रोच करते हैं अपन, मतलब कई बार क्या वर्टेक्सिस के कोऑर्डिनेट्स गिवेन है, अभी बात करेंगे, इसे नोट कर लो पहले, साइन टू ए एक्स वन प्लस साइन टू बी एक्स टू प्लस साइन टू सी एक्स थ्री अपॉन साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ठीक है कि नहीं। समझ गए ना, लिख लिया, जल्दी लिखिए, ये तीनों सिमेट्रिक हैं और इसे तो मैंडेटरी है, ये याद ही करना है क्योंकि ये इन सेंटर इसी के हेल्प से अप्लाई निकालना है आपको, तीनों वर्टेक्सेस मालूम है तो साइड लेंथ आसानी से आ जाएंगी, बात समझ में आ रही है कि नहीं, और फिर इन सेंटर इसी के हेल्प से निकालना है, और अगर ये याद कर रहे हैं तो ये बोनस है, ये अपने आप ही याद हो गए, बाई चांस इस पर बेस कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वर्टेक्सेस गिवन है तो उनको इस अप्रोच से नहीं निकालना, समझ आया कि नहीं। आ गया, अब ध्यान से सुनो यार, अगर मेरे पास वर्टेक्सिस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो इन सेंटर निकाल सकते हैं, साइड्स आ जाएंगी ना, लेकिन ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे आप उस केस में,
ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो बीसी लाइन का स्लोप मालूम हो जाएगा, एल्टीट्यूड क्या होगा, ए से पास होने वाली हो बीसी के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, बी से पास होने वाली और एसी के परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। और सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे कि सर्कम सेंटर होता क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो मिड पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा और बीसी की स्लोप की हेल्प से इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा निकाल लेंगे और उनका क्या निकाल लेंगे हम, इंटरसेक्शन पॉइंट। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन क्योंकि इसे हमें याद करना ही है तो ये भी हमें ध्यान रखने हैं, इसकी हेल्प से ये भी डायरेक्टली अप्लाई तो नहीं करनी, कई बार इन पर बेस्ड भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? ये बात समझ में आ गई, ये रिजल्ट्स हैं। अब फोकस करना है पीएमटी, जहां से हमने शुरू किया था बात, और इन रिजल्ट्स के बारे में बात करनी है और समझना है, ठीक है ना? ध्यान से देखना, मैं एक एक दो स्टेप में पूरी बात बताने वाला हूं, पहले आप इतना रिवाइज कर लीजिए। इन केस आप ऐसे मानिए कि मुझे मान लो वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ए क्या है एक्स वन वाई वन, बी क्या है एक्स टू वाई टू, और सी क्या है एक्स थ्री वाई थ्री। बहुत ध्यान से देखना, अभी जनरल नहीं बता रहा हूं मैं। मान लो मुझे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स को प्रूव करना है कि वो कितना होता है, सिग्मा एक्स वन बाई थ्री होता है। साथ में इस फैक्ट का यूज नहीं करना है कि सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो टू इज टू वन, उसे भी प्रूव ही करना है। मान लो मेरा टारगेट क्या है कि मुझे यह प्रूव करना है कि सेंट्रोइड इज क्या है, एक्सजी कितना है मेरे पास, सिग्मा एक्स वन बाई थ्री, और साथ में मुझे यह भी प्रूव करना है कि एजी अपॉन जीडी कितना होता है, टू इज टू वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस फैक्ट का यूज नहीं कर पाऊंगा। मान लो अगर आपके पास प्रॉब्लम यह है कि आपको सेंट्रोइड ये निकालना है, प्रूव करना है, साथ में यह भी प्रूव करना है कि एजी अपॉन जीडी कितना है, टू इज टू वन, तो आप इस फैक्ट को यूज नहीं कर पाओगे ना इसे प्रूव करने में। तो आपके पास तरीका क्या बचेगा, जी के डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मिड पॉइंट तो है, मीडियन है, तो यह मिड पॉइंट है, फिर एडी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और बी लाइन की क्वेश्चन निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर रेशियो की हेल्प से उसका रेशियो निकालेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसी करेंगे ना? लेकिन हमें अलग तरीके से अप्रोच करना है, पीएमटी को सीखना है, इसलिए कैसे अप्रोच करेंगे उसको समझिए। ध्यान से देखना, टारगेट क्या है वो बात समझ में आ गई। अभी जनरल नहीं बता रहा हूं मैं, ओनली इसके लिए बता रहा हूं। जनरली क्या होता है कि जब हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्रॉब्लम टफ हो जाती है। अब इस केस में क्या होगा कि हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे लेकिन उससे प्रॉब्लम टफ नहीं होगी, आसान हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखना और फोकस करना, समझने की कोशिश करना। इसको मैंने एक्सडी मान लिया, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को क्या माना, एक्सडी, सिमेट्रिक वाई होगा। इसके एक्स कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया, एक्स ई माना, गॉट इट? अब ध्यान से देखना, मुझे सोच के बताइए क्या यह समझ में आया, 2xd कितना होगा है, x2 प्लस x3 सिमेट्रिक y होगा, इसमें कोई डाउट है? 2xc कितना होगा, मैंने कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला लिखवाया था लेकिन अभी तक उसको अप्लाई नहीं किया, उसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। ये कितना होगा, x3 प्लस x1 है, इसमें कोई डाउट? इतना लिखने के बाद मैं भूल गया कि मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन पे आ गए। क्या किया मैंने, ध्यान से देखना, मुझे कुछ ऐसा लगा कि यहां पे भी x3 आ रहा है, यहां पे भी x3 आ रहा है, तो इन दोनों जगह आ रहा है, तो एक काम करो x3 लिख देते हैं पहले। उसके बाद क्या किया, x1 लिख दिया, उसके बाद क्या किया, x2 लिख दिया,
ये चीज इसमें कब कन्वर्ट होगी, जब दोनों तरफ क्या ऐड होगा, एक्स वन, सही है, है सही है ना, ये चीज इसमें कब कन्वर्ट होगी, जब दोनों तरफ क्या ऐड होगा, है एक्स टू। इतना करने के बाद ही मुझे ध्यान आ गया कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, इसलिए मैंने कॉफिशियंट के सम से डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने ये किया तो आपके पास सब कुछ प्रूव हो चुका है। ढंग से समझिए कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला इसे देख के मैं क्या कह सकता हूं, इट इज द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग ए एक्स वन बाई वन एंड डी एक्स डी वाई डी एंड इट डिवाइड्स इट इन द रेशियो 2:1। मुझे ये बताइए कि एक्स वन वाई वन एक्स डी वाई डी और इस पॉइंट में अगर मैं कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा, इट इज द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग ए एक्स वन वाई वन एंड डी एक्स डी वाई डी एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो 2:1। गॉट इट, ठीक है फिर, चलो कोई बात नहीं, समझाने वाली बात है, ये सब प्रूफ तो सब कुछ हो चुका है, इस पर कंसंट्रेट करिए। इसे मैंने और ध्यान से देखा, 2xc प्लस एक्स टू अपॉन थ्री, एक्स टू कहां है, ये रहा, एक्स ही कहां है, ये रहा। इसे देख के कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला की याद आई और वो उसने क्या बताया कि इट इज द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग बी एक्स टू वाई टू एंड ई एक्स ई वाई एंड इट डिवाइड्स इट बी इन द रेशियो 2:1। अब इक्वलिटी से क्या हुआ, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, मीन्स इट मीन्स द पॉइंट हैविंग द कोऑर्डिनेट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री कॉमा सिग्मा वाई वन बाई थ्री लाइज ऑन एडी फ्रॉम दिस इक्वलिटी, ये इसके इक्वल है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, एंड ये भी इसके इक्वल है, इट मीन्स इस इक्वलिटी से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों की कनेक्टिविटी से, द पॉइंट सिग्मा एक्स वन बाई थ्री एंड सिग्मा वाई वन बाई थ्री लाइज ऑन बी। इसका मतलब क्या हुआ, द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट सिग्मा एक्स वन बाई थ्री कॉमा सिग्मा वाई वन बाई थ्री लाइज ऑन एडी एज वेल एज ऑन बीई एंड इफ द एनी पॉइंट लाइज ऑन टू लाइन्स, तो हम क्या जानते हैं भाई कौन सा पॉइंट दो लाइन पर लाई करेगा, ओनली द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमने लाइन की इक्वेशन निकाली नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या आ चुका है, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन्स एडी एंड बीई। साथ में यह भी प्रूव हो चुका है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एडी एंड बीई डिवाइड्स एडी इन द रेशियो 2:1 एंड बी ऑल्सो 2:1। एक और बात प्रूव हुई है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसा आया है, सिमिट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन वाई वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। इसका मतलब क्या है, कोई भी दो मीडियन लो, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसा आएगा, सेम ही आएगा। मुझे ये बताओ कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री है, है? नहीं आई बात समझ में, इसका मतलब क्या हुआ, ईच पेयर ऑफ मीडियन हैज द सेम इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका मतलब ये भी प्रूव हुआ यहां से कि मीडियंस आर कॉन्करेंट। गॉट इट, तो तीन स्टेप मैंने लिखे हैं, उनसे इतनी सारी बातें प्रूव हो गई हैं, समझने की बात ज्यादा है, तीनों को पहले आप लिख लो, फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, फिर जनरल पे आएंगे अपन। फर्स्ट ये लिखा है, सेकंड ये लिखा है, थर्ड इनको मैनिपुलेट करके ये लिख दिया है, नथिंग एल्स। इसके बाद सब कुछ समझने वाला है, लेकिन स्कूल एग्जाम में मत लिख देना ऐसे, समझ में नहीं आएगा ना क्या लिखा है।
आ गया। ये थोड़ा समझ में आया, नोट कर लिया, जल्दी करिए थोड़ा सा। बहुत सारी चालाकियां करूंगा, उनका ध्यान रखना आप। ए बी सी, ये डी और ये ई और ये पी, ठीक है। तो मैंने इस रेशियो को क्या मान लिया, ये ध्यान भी रखना है आपको। लैम्डा इज टू वन मान लिया है, मतलब सी डी अपॉन बी डी कितना मान लिया है, लैम्डा इज टू वन, और सी अपॉन ए कितना मान लिया है, म्यू इज टू वन, सही है, है? सही है कि नहीं? एक चालाकी कर दी मैंने, पता चला तुम्हें, एक चालाकी कर दी है अब तक। देखिए कैसे, अगर ये एक्स वन वाई वन है, नोट भी करते जाइए, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो जो x में अप्लीकेबल होगा वही y में अप्लीकेबल होगा। इससे मैंने xd मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट इसका xc मान लिया। एक चालाकी क्या की, ध्यान से देखना, अगर मैं bc में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, लैम्डा प्लस वन xd इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा x2 प्लस x3, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है? समझने में कोई डाउट नहीं आएगा, लेकिन बहुत अलग चीज है और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इसका मतलब उसके एप्लीकेशन बहुत शार्प है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अलग चीज होती है और वास्तव में इंपॉर्टेंट अलग होती है। ध्यान से देखिए, यह समझ आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, म्यू प्लस वन एक्सी इज इक्वल टू म्यू एक्स वन प्लस एक्स थ्री। मुझे लगता है अब चालाकी समझ में आ चुकी होगी। क्या चालाकी की थी, कि ये दिस अपॉन दिस लैम्डा माना, दिस अपॉन दिस म्यू माना। इससे फायदा क्या हुआ, इन दोनों जगह एक्स थ्री का कोफिशियंट कैसा आ गया, सेम। अगर नहीं आता तो सेम सेम बनाते, तो अब कोई वैसी कोई टेंशन ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात समझ में आई ना। इसे लैम्डा इज टू वन और इसे म्यू इज टू वन मानने से फायदा क्या हुआ, कि एक्स थ्री का कॉफिशियंट दोनों जगह सेम आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये इन जनरल हो रहा है अभी, ये नोट कर लिया इतना। अब मैंने लिखा लैम्डा एक्स टू,
ध्यान से देखना, प्लस म्यू एक्स वन प्लस एक्स थ्री, इधर से ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा प्लस वन एक्स डी प्लस म्यू एक्स वन, और इधर से किसके इक्वल होगा, म्यू प्लस वन एक्स सी प्लस लैम्डा एक्स टू। समझ गए? इसके बाद क्या स्टेप था, कोफिशियंट के सम से डिवाइड कर दिया, क्योंकि सेक्शन ऑफ कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना था मुझे। अब सब कुछ हो चुका है, बस समझना है। ध्यान से देखिए, सुनिए, इट इज द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग ए एक्स वन वाई वन एंड डी एक्स डी वाई डी एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो लैम्डा प्लस वन अपॉन म्यू। समझ गए ना? इट इज द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग बी एक्स टू वाई टू एंड ई एक्स सी वाई एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो म्यू प्लस वन अपॉन लैम्डा। सिमेट्रिक वाई भी आ जाएगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं एक्स है तो। बात समझ में आ गई ना? एंड इक्वलिटी कैसे कर रही है, इट इज द पॉइंट ऑन एडी, इट इज द पॉइंट ऑन बी, इट मींस इफ लैम्डा एंड म्यू आर गिवन सच टाइप ऑफ पॉइंट इज ऑन एडी एज वेल एज ऑन बी, मीन्स द पॉइंट हैविंग द कोऑर्डिनेट्स लैम्डा एक्स टू प्लस म्यू एक्स वन प्लस एक्स थ्री अपॉन वन प्लस लैम्डा प्लस म्यू लाइज ऑन एडी एज वेल एज ऑन बी, इट मीन्स इट इज द पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड बी। बात समझ में आ गई ना? जितने भी आपने रिजल्ट लिखे थे वो सबके सब प्रूव हो चुके हैं। अब पूरी क्लास सिंक्रोनाइज कर रहा हूं मैं, क्लब कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये समझ आया? अगर मेरे पास लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू वन होगा तो जो पी है वो क्या बन जाएगा, सेंट्रोइड, और एपी अपॉन बीपी पीडी कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस वन अपॉन म्यू, इट मीन्स टू इज टू वन। अगर मेरे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, सी बी अपॉन सी, और म्यू की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन सी, तो पी क्या बन जाएगा, इन सेंटर। ये वैल्यू रख के देखेंगे तो पी क्या आ जाएगा आपके पास, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी एंड इट डिवाइड्स इट इन द रेशियो बी प्लस सी अपॉन ए। इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, लैम्डा प्लस वन अपॉन म्यू। जब मेरे पास लैम्डा क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, टेन बी अपॉन टेन सी एंड म्यू क्या होगा, टेन ए अपॉन टेन सी, तो पी क्या बन जाएगा, ऑर्थो सेंटर। मीन्स उसका भी प्रूव हो चुका है कि ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, टेन ए एक्स वन प्लस टेन बी एक्स टू प्लस टेन सी एक्स थ्री अपॉन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, सिमेट्रिक वाई कोऑर्डिनेट। और जब मेरे पास लैम्डा की वैल्यू साइन टू बी अपॉन साइन टू सी होगी और म्यू की वैल्यू साइन टू ए अपॉन साइन टू सी होगी, तो पी किसमें कन्वर्ट होगा, सर्कम सेंटर, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, साइन टू ए एक्स वन सिग्मा अपॉन साइन टू ए का सिग्मा। समझ गए ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पहले ये तीन स्टेप्स आपकी समझ में आने चाहिए, उसके बाद आप अपने आप सब्स्टिट्यूट करके देखिए। जो शुरुआत में नोट कराया था, शुरुआत में एक्सप्लेन किया था, जब लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू वन होगा तो ये क्या बनेगा, पॉइंट पी, सेंट्रोइड बनेगा। जब लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर के केस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटरनल इन सेंटर। बात समझ में आ गई नहीं? तीनों लिख के देखो, एक मैं प्रूफ भी करके बताऊंगा, लिख के देखो, लिख लिया ना, जल्दी लिखिए। अब आप लोगों का काम बचा है, मेरा पूरा हो चुका है। इसमें क्या लिखेंगे हम, लैम्डा और म्यू की चार जो केसेस शुरुआत में बताए थे वो अलग अलग रखेंगे, तो सभी चार प्रूफ तो डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं। नहीं आया, समझ आया ही? नोट कर लिया, जल्दी करिए, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा डेप्थ में देखो उसे। लिख लिया?
अब ध्यान से देखना है, जो बीच वाला एक्सप्रेशन है वो मेरे लिए काम का है और रेशियो काम का है। एपी अपॉन पीडी कितना है ये बताओ पहले, एपी अपॉन पीडी कितना है, लैम्डा प्लस वन अपॉन म्यू, यही है ना। और पी कितना आया, पी बताना कितना आया था, पी कितना था, बीच में आया था यार, एक्स थ्री था शायद, हाँ लैम्डा, पता नहीं घर से आ गया है। कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला लगाया ना इसमें, लैम्डा प्लस वन एक्स डी प्लस म्यू एक्स वन अपॉन वन प्लस लैम्डा प्लस म्यू, इसको देख के क्या स्ट्राइक कर रहा है, इट इज द पॉइंट ऑन ए डी एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो लैम्डा प्लस वन अपॉन म्यू, समझ गए ना। अब ध्यान से देखिए क्या था ये, पी कितना आया बताइए, लैम्डा एक्स टू प्लस म्यू एक्स वन अपॉन, अब इन सेंटर का केस कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना इन सेंटर के केस में क्या था, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी बताइए, बी अपॉन सी, और म्यू की वैल्यू कितनी थी ए अपॉन सी, तो एपी ए आई अपॉन आईडी कितना आ जाएगा, एसओटी में अलग से भी प्रूव कर सकते हो, ए आई अपॉन आईडी कितना आता था याद होगा आप लोगों, जिन लोगों ने किया है कितना आएगा, रख दो ये वैल्यू यार, नहीं भूल गए तो क्या दिक्कत है, बी प्लस सी अपॉन लैम्डा प्लस वन, बी प्लस सी अपॉन कितना आ रहा है, लैम्डा प्लस वन बी प्लस सी अपॉन ए, सही है कि नहीं, अरे भैया लैम्डा इसमें रख दिया, म्यू भी रख, दिया इसमें लैम्डा और म्यू दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए ना, नहीं ठीक है फिर तो ठीक है, एक्स थ्री में इसमें रखिए कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स थ्री प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी है, बी एक्स टू बाई सी, म्यू की वैल्यू कितनी है, ए एक्स वन बाई सी, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वन प्लस बी बाई सी प्लस ए बाई सी, सी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सिमेट्रिक आ गया, ए एक्स वन बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, समझ गए, बात समझ में आई कि नहीं, वो ऐसे आया कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला भूल गए क्या, टू इज टू वन कैसे आया था वो भूल गए क्या, इसे देखो जरा, लैम्डा प्लस वन एक्स डी प्लस म्यू एक्स वन अपॉन वन प्लस लैम्डा प्लस म्यू, इसको देख के आप ऐसे समझिए, इट इज द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग ए एक्स वन बाई वन एंड डी एक्स डी बाई डी एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो लैम्डा प्लस वन अपॉन म्यू, कन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, समझ गए, बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना, है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स में वेक्टर में थ्री डी में, और यहां पर दिखाई दे ही रहा है, चार प्रूफ तो सामने ही हो गए तुम्हारे, समझ आया कि नहीं। अब मैं लिखने नहीं वाला कुछ, अगर लैम्डा की जगह टेन वी अपॉन टेन सी लिखूंगा, म्यू की जगह टेन ए अपॉन टेन सी लिखूंगा, तो ये क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, और ये कितना आएगा, सिग्मा टेन ए एक्स वन अपॉन सिग्मा टेन ए,
म्यू लैम्डा की जगह साइन टू बी अपॉन साइन टू सी लिखूंगा, म्यू की जगह साइन टू ए अपॉन साइन टू सी लिखूंगा, तो ये आएगा सिग्मा साइन टू ए एक्स वन अपॉन सिग्मा साइन टू ए। अब फाइनली मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जो आपको बातें ध्यान रखनी है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। नॉर्मली कोऑर्डिनेट समय दिए हैं और सर्कम सेंटर निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, समझ गए ना। लेकिन यह भी हमें ध्यान रखना है कि अगर एंगल्स भी दिए हैं बाई चांस, तो सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सिग्मा साइन टू ए अपॉन सिग्मा साइन टू ए एक्स वन अपॉन सिग्मा साइन टू ए। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक है कि नहीं। अगर हमें तीनों चार तीनों वर्टिक्सेस दिए हैं तो ऑर्थो सेंटर क्या आएगा, एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखना है एल्टीट्यूड होता क्या है, सिग्मा टेन ए एक्स वन अपॉन सिग्मा टेन ए। अगर इनसेंटर दिया है, इनसेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स। इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, अगर इनसेंटर वर्टेक्सेस हमें दिए तो साइड हम निकाल लेंगे और हमारे पास इनसेंटर कितना आएगा, सिग्मा ए एक्स वन अपॉन सिग्मा ए, और सेंट्रोइड कितना होता है, सिग्मा एक्स वन अपॉन थ्री। सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, टू इज टू वन। इनसेंटर किस रेशियो में डिवाइड करता है, बी प्लस सी अपॉन ए, एडी अगर मीडियन है, और एएच अगर एडी अगर अल्टीट्यूड है तो एएच अपॉन एसडी कितना होता है, टेन बी प्लस टेन सी अपॉन टेन ए। और इनकेस अगर मेरे पास एडी क्या है, लाइन ज्वाइनिंग सर्कम सेंटर टू ए, तो एओ अपॉन ओडी कितना होगा, साइन टू बी प्लस साइन टू सी अपॉन साइन टू ए। बात समझ में आ गई ना, कोई डाउट इसमें, ये समझ आ गया कि नहीं है, ठीक है।